अक्षय कुमार इस बार दिवाली के मौके पर अपनी पांचवी फिल्म राम सेतु को बड़े पर्दे पर रिलीज कराने के लिए तैयार है। अब तक इससे पहले अक्षय की चारों फिल्में सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हुई थी, इसलिए इस फिल्म से अक्षय कुमार को भी काफी उम्मीदें हैं। लेकिन जैसे कि बहुत से लोग जानते ही होंगे कि एक फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज कराने से पहले सेंसर बोर्ड के पास ले जाना जरूरी होता है, क्योंकि वो ही फिल्म को आगे रिलीज कराने के लिए यूएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आपको बता दें, सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की राम सेतु पर कैंची चला दी है, और वो भी किन सीन्स और डायलॉग्स पर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस बार कुछ सीन्स तो नहीं पर कुछ डायलॉग्स को लेकर फिल्म में फेरबदल किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के कई डायलॉग्स में राम का जिक्र था और मेकर्स को उन्हें श्री राम से बदलने के लिए कहा गया था। इसी तरह बुध को भगवान बुध करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी डायलॉग्स थे जैसे श्री राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे को ये सब कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है से बदल दिया गया है। एक फाइटिंग सीन में भी जय श्री राम के नारे को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सेंसर बोर्ड के कुछ सदस्यों ने निर्माताओं से ओपनिंग डिस्क्लेमर में भी कुछ बदलाव कराने के लिए कहा है और इसकी लंबाई भी बढ़ा दी ताकि दर्शकों को इसे पढ़ने के लिए समय मिल सके। और फिल्म के दूसरे भाग में एक इम्पोर्टेंट सीन में एक डिस्क्लेमर भी जोड़ा गया है। अंत में कट लिस्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म में किए गए ऐतिहासिक तिथियों और संदर्भों के उल्लेख के लिए दस्तावेज या सोर्स दिखाए हैं। आपको बता दें, फिल्म राम सेतु दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड भी रिलीज होने जा रही है। तब दोनों में से कौन सी फिल्म दर्शकों के जुबान पर अपना नाम छोड़ने में कामयाब होती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट जगत की तमाम अपटूडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।